दोस्तों, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक की पीएनबी वन एप्लीकेशन के कस्टमर हैं, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल बैंकिंग को आप यूज़ करते हैं, और दोस्तों आप जब अपने पीएनबी वन एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का एरर देखने को मिल रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टी पिन चेंज रिगार्डिंग आपको यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है कि आपका जो टी पिन है वो हैज़ एक्सपायर्ड, यानी एक्सपायर्ड हो चुका है, और इसको आप जल्दी से दोबारा से बनाइए, यानी चेंज करिए। तो दोस्तों ये एरर आपको क्यों मिल रही है, क्योंकि आपका जो टी पिन है वो समय समय पर आपका एक्सपायर्ड होता रहता है, आपको एक नया पिन बनाना होता है, ठीक है। क्योंकि टी पिन से ही आप यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन यानी सर्विसेज का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं पीएनबी वन एप्लीकेशन में, ठीक है। तो दोस्तों टी पिन कैसे चेंज करना है मैं भी आपको बताऊंगा, अभी आपको वीडियो में बताऊंगा आगे कैसे आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, यानी कैसे इस एरर को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगी, टी पिन सिर्फ आपको चेंज कर लेना है या नया टी पिन बना लेना है, और आपके यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप यहाँ पर सक्सेसफुल अपनी पीएनबी वन एप्लीकेशन को यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों कैसे करना है कंप्लीट प्रोसेस आपको वीडियो में देखने को मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको मेरे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहती है। अब दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है मैं अपने पीएनबी वन एप्लीकेशन को यहाँ पर बिना किसी देरी के ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार की एरर हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले पीएनबी वन एप्लीकेशन को हम यहां पर ओपन करते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहां पर अपना एम पिन डालते हैं हम, यहां पर सबसे पहले 4 डिजिट का एम पिन मैं इसमें डाल लेता हूं। तो दोस्तों जैसे ही एम पिन डालूंगा तो यहां पर एक एरर देखने को मिलेगी, देखिए दोस्तों ये आ रही है चेंज टी पिन, और मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है और यहां पर लिखा है कि योर टी पिन हैज एक्सपायर्ड प्लीज चेंज इट टू, यानी कि इसको जल्दी से आप चेंज कर लीजिए, एक्सपायर हो चुका है। और कुछ और देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ नीचे कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहां पर टी पिन बनाने का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये एरर हमें कब आती है। तो दोस्तों ये एरर हमें कब देखने को मिलती है, दोस्तों समय समय पर जो है पीएनबी वन एप्लीकेशन में हमें अपना टी पिन चेंज करना होता है। तो दोस्तों यहां पर हमने अपना टी पिन चेंज नहीं किया है काफी टाइम से, तो ये ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो गया है और इसको यूज भी नहीं किया हमने, तो ठीक है अब हम नया कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों नया बनाने के लिए नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और दोस्तों ये नया बनाने के लिए कुछ इस प्रकार का प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर ओल्ड टी पिन डालना होगा, न्यू टी पिन, कंफर्म न्यू टी पिन। तो दोस्तों यहां पर एक समस्या ये बनती है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे यूज़र्स होंगे, मेरे भाई बहन ऐसे कुछ होंगे जो कि जिन्हें यहाँ पर नहीं पता होगा कि टी पिन पुराना वाला टी पिन उनका क्या था, ठीक है, तो ये बड़ी समस्या है। तो वो पुराना टी पिन क्या था पता करें, तभी तो नया टी पिन बना पाएंगे। तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन है, मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे सिंपल स्किप वाले पर क्लिक कर देना, क्योंकि हमें ओल्ड टी पिन के बारे में यहाँ पर नहीं पता है कि हमारा ओल्ड टी पिन क्या है। तो देखिए इस तरीके से हमारा पी एन बी वन एप्लीकेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम बाद में भी अपना टी पिन बना सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना पी एन बी वन एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बार बार हम अपने पी एन बी वन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वो टी पिन चेंज वाली एरर आती रहेगी, इससे अच्छा तो साहब से सॉल्व कर लीजिए, अपना नया टी पिन बना लीजिए। तो कैसे करना है, आपको यहाँ पर 3 लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है, ऊपर 3 लाइन देखने को मिलती है, इस तरीके का हमारा डैशबोर्ड आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि माय प्रोफाइल, माय कैश पॉइंट, इस तरीके से काफ़ी सारी सर्विसेज देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको माय प्रोफाइल का, ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी यहाँ पर काफ़ी सारी माय प्रोफाइल में एक जो है सर्विसेज देखने को मिल रही है, तो जैसे कि अपडेट यूज़र आईडी कर सकते हैं, सेट लिमिट कर सकते हैं, चेंज एम पिन कर सकते हैं, सेट रिसेट टी पिन कर सकते हैं, चेंज टी पिन कर सकते हैं। तो अब दोस्तों दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, सेट रिसेट टी पिन या चेंज टी पिन। तो दोस्तों हम सेट रिसेट टी पिन पर भी क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर थ्रो डेबिट कार्ड, थ्रो ट्रांजेक्शन पासवर्ड, थ्रो ब्रांच, थ्रो आधार ओटीपी, तो इनकी मदद से हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसकी मदद से करते हैं चेंज टी पिन की मदद से, तो सेम वही आ जाएगा, ओल्ड टी पिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऊपर वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे सेट रिसेट टी पिन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड की मदद से चेंज करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप इनमें से किसी और प्रोसेस से चेंज करना चाहते हैं तो आप इन पर क्लिक कर लेना है, आपको सिंपल इनकी डिटेल डाल देनी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर देखिए जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है वो हर किसी को याद नहीं रहता है, और ब्रांच में आप जाना नहीं चाहोगे क्योंकि ऑनलाइन हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो और आधार ओटीपी ऐसा होता है कि किसी किसी के आधार में नहीं होता मोबाइल नंबर लिंक, या आधार लिंक नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है एटीएम कार्ड वाला ही है, तो हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो अकाउंट नंबर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अकाउंट नंबर आ जाता है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डेबिट कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ पर कार्ड पिन, तो डेबिट कार्ड नंबर तो ऑलरेडी आ जाएगा हमारा यहाँ पर, देखिए दोस्तों 2 डेबिट कार्ड आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं अपने फिजिकल डेबिट कार्ड को करके दिखाने वाला हूँ, तो फिजिकल डेबिट कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों कार्ड पिन में आपको अपने एटीएम पिन जो होता है 4 डिजिट का वो डाल देना है। ध्यान रखना एटीएम पिन कभी किसी के साथ शेयर ना करें, इसलिए मैं अपनी डिटेल यहाँ पर ब्लर कर लूँगा, ठीक है।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना 4 डिजिट का कार्ड पिन डाल देना है। तो दोस्तों देख सकते हो कि हमने यहाँ पर अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिया, डेबिट कार्ड नंबर सेलेक्ट कर लिया है और ATM पिन डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद नीचे सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक OTP जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों मेरा OTP यहाँ पर आने वाला होगा तो मैं अपना यहाँ पर डाल देता हूँ। अगर इन केस आपका OTP नहीं आता है तो ये सेकंड जब पूरी हो जाएगी रिसेंट OTP पर क्लिक करके दोबारा OTP मंगा सकते हैं, क्योंकि PNB1 एप्लीकेशन में OTP की बड़ी समस्या बनी रहती है, इसलिए आप रिसेंट OTP के द्वारा यहाँ पर OTP को दोबारा से जो है जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा OTP यहाँ पर एक बारी में नहीं आया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रिसेंट OTP पर क्लिक करता हूँ और दोबारा से अपने OTP को यहाँ पर जनरेट करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि दोबारा में हमारा OTP आ गया है, पहली बारी में हमारा OTP नहीं आया था, तो इसलिए हमारे रिसेंट OTP पर हमने क्लिक करके दोबारा से OTP को जनरेट कर लिया है। अब अपना OTP मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने अपना OTP यहाँ पर डाल दिया है और नीचे सिंपल आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर न्यू OTP बना लेना है और दोबारा से दोनों में सेम अपना TPIN बना के नया और इसे जनरेट कर लेना है, सबमिट कर देना। तो मैं अपना न्यू TPIN बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने न्यू TPIN तो बना लिया है, अब मैं नीचे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा TPIN जो है यहाँ पर सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो गो टू माई प्रोफाइल पर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या ये एरर मुझे दोबारा से देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों मैसेज भी आ गया कि आपका TPIN जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रिसेट हो चुका है, यानी चेंज हो चुका है। तो दोबारा से हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको कि दोबारा से वो एरर तो नहीं आ रही है। तो दोस्तों PNB1 पे मैं जाता हूँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का वही 4 डिजिट का MPIN डालना होता है मुझे, तो मैं अपना 4 डिजिट का MPIN यहाँ पर डालता हूँ और इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं इस बार वो एरर हमें नहीं मिल रही है और अपना PNB1 एप्लीकेशन में सक्सेसफुल हम लॉगिन हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर अपने जो है PNB TPIN एक्सपायर्ड वाली एरर को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल नया तरीका बताया है, बिल्कुल अपडेटेड तरीका, ठीक है। तो इस तरीके को फॉलो करके आप अपना TPIN वाली एरर को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो या TPIN को चेंज भी कर सकते हो, रिसेट या सेट भी कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस देख लिया होगा किस प्रकार से आप यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में जो PNB1 एप्लीकेशन ओपन करते टाइम आपको TPIN चेंज वाली एरर आ रही थी, यानी TPIN एक्सपायर्ड वाली एरर देखने को मिल रही थी। अगर वो आपने इस वीडियो की मदद से यहाँ पर उसको सॉल्व कर लिया है और अपने PNB1 एप्लीकेशन को आप सक्सेसफुल यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इसके प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।